हेलो दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं और उसका साइनिंग पासवर्ड को भूल गए हैं, या जिसे हम लॉगिन पासवर्ड भी बोलते हैं। बहुत से लोग उसे लॉगिन पासवर्ड बोलते हैं, साइनिंग पासवर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं उसको भूल गए हैं तो उसको रिसीट कैसे करते हैं, बोले तो उसको रिसीट मतलब आप उसे नया कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आया करते हैं। तो आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से जिससे भी, मगर आप किसी से भी लॉगिन हो सकते हैं। तो आपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होना है और इसका लिंक हम नीचे दिए हुए हैं, और वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा रहेगा रिटेल यूजर, यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे देखिए यूजर आईडी और अपना यूजर आईडी जो भी होगा वो डालना है, और डालने के बाद आपको एंटर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपना यूजर आईडी डाल लेते हैं, डाल के हम एंटर करते हैं। तो जैसे हम एंटर किए हैं तो यहाँ पे देखिए साइनिंग पासवर्ड, जो अभी अभी हम भूल गए हैं साइनिंग पासवर्ड, यहाँ पे आपसे मांगेगा साइनिंग पासवर्ड। तो इसको अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो हम भूल गए हैं, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड साइनिंग पासवर्ड क्लिक किया, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा गया है, ठीक है। तो भूल गए हैं तो यही क्लिक हेयर पे ही क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं, तो आपको भी इस पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका यूजर आईडी दिखाएगा, यहाँ पे कुछ आंसर मांगेगा, टू आंसर। और ये आंसर कब कहाँ पे मिलता है आपको याद होगा, अगर मैंने आंसर ये कब बनाए थे, जब आप अपना फर्स्ट टाइम इंटरनेट बैंकिंग बनाए थे तो आपको उससे अपना पांच आंसर डालने होंगे। उस पांच आंसर में से यहाँ पे दो आंसर आपको देना पड़ता है, ठीक है। अभी देखिए ये है, जब हम अपना इंटरनेट बैंकिंग बनाए थे तो इसमें पांच आंसर हम दिए थे, ठीक है। तो आप लोग भी जब बनाए होंगे अपना इंटरनेट बैंकिंग, रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो अपना पाँच आंसर को दिए होंगे, उसमें से दो आंसर ही मांगता है। तो हमारा दो आंसर है वो हम डाल देंगे, उसके बाद हम सबमिट करेंगे। आपका जो भी दो आंसर मांगता है, अगर मैं आपके पास वो भूल गए हैं तो उसको रिसीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको बनाने के लिए हम दूसरा वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप कमेंट करके लिंक ले सकते हैं, अगर मैं भूल गए हैं तो आंसर को। चलिए हम अपना फिल करते हैं और उसके बाद हम सबमिट करते हैं, अपने आंसर को हम डाल लें और हम सबमिट करते हैं। तो जैसे सबमिट किए हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगते हैं, तो जो आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड होगा वही आपको मोबाइल नंबर इसमें डालना है, और डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, और डालने के बाद हम सबमिट करते हैं। तो जैसे सबमिट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो 8 डिजिट का एक पासवर्ड जाएगा, OTP जाएगा, उसको इसमें फिल करना है। जो भी आपका पासवर्ड गया होगा उसमें इसमें फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट करेंगे, चलिए हम सबमिट करते हैं, और जैसे हम सबमिट किए हैं तो देखिए यहाँ पे न्यू साइनिंग पासवर्ड पूछ रहा है और कंफर्म साइनिंग पासवर्ड, तो इसमें आपको क्या डालना है और कैसे डालना है। तो देखिए हम आपको एक डेमो दिए ABCDEFGH, तो आप अपना नाम ले लीजिएगा, ठीक है, @ लगा लीजिए या डॉट लगा लीजिए या हैच लगा लीजिए। आपको जो हम ABCD लिखे हैं ना, तो आपको ABCDEFGH नहीं लिखना, आपको एक डेमो दिखाए हुए हैं, ठीक है। आप इस नाम को चेंज कर लीजिएगा, और जैसे जैसे मैं बनाया हूँ, ठीक है, नंबर भी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको वही डालना है, और जो न्यू साइनिंग पासवर्ड लिखा है इसमें डालना है, कंफर्म साइनिंग पासवर्ड जो ऊपर वाला रहेगा उसमें भी, नीचे वाला में भी डालना है। समझ में आ गया होगा कि आपको कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, और कुछ नंबरों में, हैच या @ या डॉट, जो भी आपको जैसे हम एक डेमो दिखा दिए हैं आपको इसी तरह डालना है। पर आपको जो मैं ABCD लिख के दिया हूँ ना, आपको इस तरह नहीं डालना है, ठीक है, आपको इसको चेंज कर लेना है जिसे। चलिए हम डाल दिए हैं, उसके बाद हम सबमिट करते हैं। तो जिसे सबमिट किया है तो देख सकते हैं ऊपर सक्सेसफुल हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल देख सकते हैं, यही हमारा साइनिंग पासवर्ड को बन गया है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना साइनिंग पासवर्ड बना के इसी तरह, और यहाँ पे जाके आप अपना जाके लॉगिन हो सकते हैं। अगर में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग से
रिलेटिव वीडियो लेके आया करते हैं। और अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी आपको वीडियो देखना है तो आपको जहाँ पे आप एक कमेंट करते हैं वहाँ पे एक लिंक दिए हुए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके बैंक ऑफ बड़ौदा का सारा वीडियो हमारा देख सकते हैं। ठीक है, पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉ कैसे करते हैं, एटीएम मशीन से डिपॉजिट कैसे करते हैं, ठीक है, और बहुत से हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का वीडियो पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, क्योंकि हम बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आया करते हैं। तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।